हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अर्चना। आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्चना फैशन ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करने जा रही हूं। आज है कुछ स्पेशल डे, तो मैंने कहा क्यों ना ये स्पेशल डे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो आज आप लोग ब्लॉग में एंड तक रहिएगा, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं सुबह से उसी की प्रिपरेशन में लगी थी कि आज क्या स्पेशल डे है। चलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखती हूँ, अभी से बता देती हूँ कि आज है हमारे बेटे शौर्य का हैप्पी बर्थडे। तो आज उसी का सेलिब्रेशन होगा, तो मैं सुबह से ही तैयारी में लगी थी। ये देखिए घर को साफ क्लीनिंग में, तो मैंने कहा आज शौर का बर्थडे है, वैसे तो डेली ही होता है, तो मैंने कहा चलो आज कुछ और भी कर दिया जाए। यहाँ पे सारा क्लीन व्लीन करके फिर आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैंने खाना बनाने की भी तैयारी कर ली है। सब कुछ सुबह से इसी में लगे थे, अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो और ये देखिए सोफे वगैरह सब कुछ होते तो डेली हैं, आज मैंने इनके कुशन कवर वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक रहिएगा, आज का ब्लॉग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है कि हम लोग कैसे क्या क्या सेलिब्रेशन करते हैं शौहर के बर्थडे पे। वैसे तो शौहर के चल रहे हैं एग्ज़ाम, मगर आज सैटरडे और संडे है, अभी 2 3 दिन का गैप हो गया है उसका। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो ही जाए, वरना कभी कभी उसके ऐसे ही एग्जाम आ जाते हैं कि जब उसका हैप्पी बर्थडे होता है तो पेपर हो जाते हैं, कभी कभी इसी दिन हो जाते हैं। तो बोलता है कि मम्मी इस बार मेरा बर्थडे मना लो। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये अपनी खुशी का पल शेयर करती हूँ। तो हस्बैंड को कुछ काम था दोस्तों, तो वो तो सुबह से ही अपने, आज थोड़ा लेट गए हैं लेकिन 11 बजे के अराउंड तो वो तो चले गए हैं ऑफिस। और शौर अपने सिम्बा को लेके अभी नीचे गए हैं कि मैं थोड़ा इसको टहला के ले आता हूँ। उसके दोस्त आ गए थे तो उसके साथ वो अभी नीचे चला गया है। और ईशा है अपने रूम में, तो वो अपनी कुछ उसकी मीटिंग वगैरह आई है तो कुछ अपना कर रही होगी, ये अपना चला रही हैं। अभी अभी तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो शाम को पार्टी होगी तो अभी कुछ तैयारी करेगी आज ईशा शौहर के बर्थडे पे फ्री होके। तो दोस्तों अभी बेल बजी है, शायद शौहर आ ही गए हैं, तो चलिए देखती हूँ मैं। आए भैया? हाँ आ गए, नहीं यहाँ तो अलग ही चल रहा है। तो ये शॉर आ गए हैं, रुको रुको खोलती हूँ, छोड़ो आ गए, आ जाओ। तो ये शॉर सिम्बा को, और सिम्बा की आ गई आजकल चैन, ये देखिए चैन में आजकल ये फड़फड़ाते हैं। दिखाओ शॉर, दिखा रही तुम, जो पहले चेन खोल ले। ये देखिए बना रहना, बना रहना, तो थोड़ा अभी ना बहुत देर से बंद है। ये देखो बैक कैमरे से देखो। और अभी सिम्बा को नीचे घुमा के आ गए हैं, ये देखो। तो आज है हमारे बिट्टू का हैप्पी बर्थडे बर्थडे। बर्थडे। तो आप लोग मेरे बेटे को बेस्ट विशेस, अपना आशीर्वाद कमेंट बॉक्स से देना। खुद ही बोलना है, सिम्बा अपनी उछल के आ बेस्ट गया, विशेस देना है। आ जा। सिम्बा को भी लाओगे? हाँ तो ये है, देखो सिम्बा, सिम्बा भी आ गए हैं। तो आज क्या क्या प्लान है बेबी? आज क्या क्या प्लान आशीष है? भाई आएंगे, पबजी का प्लान है ये तो पबजी के ही प्लान में खुश है। तो चार को काटने लग बोला रहा था बहुत कि क्या किच्छी कर गिफ्ट दी। चाहिए, देखो कितनी शैतानी करता है। तो
शौहर को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, शौहर कह रहे थे मुझे फोन चाहिए, ये कुछ गिफ्ट ज्यादा ही बड़ा हो गया। मैंने कहा अभी नहीं, 10th पास कर लोगे तब फोन कैसे मिलेगा, मुझे मारा है। जब 90 से ऊपर मार्क्स लाएंगे तब शौहर को फोन मिलेगा, और बाकी किसी चीज में किसी गिफ्ट में शौहर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए हमें, बस फोन चाहिए, उसके लिए अभी लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो शौहर के फ्रेंड्स बाहर इंतजार कर रहे हैं, नीचे करो इसे। तो शौहर अभी जा रहे हैं, जा रहे हैं, बाय बाय, जल्दी ना अभी ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ मिक्स वेज बनाने की तैयारी, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले मैं ये आलू को कर लूँगी थोड़ा थोड़ा फ्राई, जिससे मिक्स वेज काफ़ी टेस्टी बनती है। हम जब वेज को सारा पहले थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेते हैं ऑयल में, तो वही मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज खाने में है मिक्स वेज, पनीर, रायता, और देखिए मैं क्या क्या बना सकती हूँ आज। तो मैंने अभी मिक्स वेज से स्टार्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे आज आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। तो मैं अभी मिक्स वेज की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू को पहले थोड़ा सा ऐसे ऑयल में फ्राई कर लूंगी। ये जब तक फ्राई होगा तो मैं और भी साथ में काम करती जाऊंगी। मैंने प्याज छील के रखा हुआ है, तो चलिए मैं तब तक उसको मिक्सी में पीस के। यहाँ पे मेरा गोभी और मटर भी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, पूरी तरह नहीं, आधा आधा करूंगी। और इधर मेरी पनीर की भी सब्जी की तैयारी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो लगभग 4:10 का टाइम हो गया है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जियाँ। मैंने आलू फ्राई करके रख लिया है, और अभी यहाँ पे हो रहा है गोभी मटर बीन्स फ्राई कर रही हूँ धीरे धीरे, साथ में पनीर की सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। दोनों साथ में बनती जाएंगी, क्योंकि टाइम हो गया है वो तैयार होना, डेकोरेशन और भी बहुत काम करने होंगे। तो इधर हमारी पनीर भी बन रही है, साथ में उसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कितना भी काम करो आप, तो छोटा मोटा फंक्शन हो तो हो ही जाता है। इधर पनीर काट के रख लिया है मैंने, और मिक्स हुए हैं तैयारी में। आशीष और शार के ऑल टाइम फेवरेट भैया आ गए। आ गए हैं ईशा, क्या क्या चल रहा है? तो बैलून फ्ला के इन लोगों की निकल रही है हवा निकल रही है। और देखो शार्वी, और शार्वी कह रहे मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा आज हैप्पी बर्थडे है, मैं कोई कुछ नहीं करूंगा। तो पिछली बार ईशा ने भी किया था वहाँ पे, हाँ हाँ थोड़ा किया था, देखा हूँ, वीडियो खोल के देख लेना। तो यहाँ पे अभी चल रही है डेकोरेशन की तैयारी। कहाँ है सिम्बा? और ये देखो सिम्बड़ू, टाइम पे सो गया काम पे। हाँ तुम लोग कर लो, हम बाद में उठेंगे जब सब कुछ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो गए हैं तैयार, शौहर के हैप्पी बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी है, ये देखिए। और शौहर ये देखो,
ये अपना गेम गेम की प्लानिंग है आज। आज तो गेम चलेगा है बिट्टू, यूट्यूब देख रहा है। तो शार अभी अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, और ईशा ईशा अभी यहाँ पे तैयार हो रही है। काव्या को भी दिया जाएगा, काव्या को बड़ा दिया जाएगा, है काव्या? काव्या को छोटा थोड़ा सा देना। जितना खाता है खा, उतना ही देना, फिर बाद में उसको प्लेट में दे देंगे, चम्मच से खा लेंगे। दांत भी कम है अभी काव्या के। लो काव्या तुम्हें भी खिलाएगी, लो खाओ, खाते रहो। अच्छा खाते जाए, हाँ वाओ पटाखे फूट रहे वैसे। और डॉगी।